देवखड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सूचित किया जाता है कि आज रात्रि और कल दिन में भी भारी से भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है, और इसलिए इस भारी वर्षा के दृष्टिगत आप सभी लोगों को निवेदन है कि सतर्क रहें और ये नाले नदी के किनारे ना जाएं, और आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करें, किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना लें जिससे कोई जान माल की हानि हो। अपने घरों में सुरक्षित स्थान पर रहें, बहुत ज़्यादा भारी वर्षा का अलर्ट बताया गया है, सुरक्षित स्थान पर रहें, नाले नदी किनारे ना जाएं। अभी भी पानी काफ़ी तेज़ी से यहाँ चल रहा है और किसी भी समय पानी काफ़ी ज़्यादा इसका स्तर बढ़ सकता है, और जहाँ पर पानी का बहाव भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करें और सुरक्षित स्थान पर रहें आप लोग। ये रक्षिया नाले के आसपास ये जो भी लोग सुन रहे हैं आवाज़ को और आगे भी वैसे पहुँचा दें, ध्यान दें भाई, आज रात को कल दिन में भी भारी से भारी बारिश का काफ़ी मात्रा में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। अभी भी आप देख रहे हैं कि रक्षिया नाले में कितनी तेज़ी से बहाव से पानी बह रहा है, तो कोई भी सभी से निवेदन है, कोई भी आवश्यक ना हो तो यात्रा ना करें, और ये टू व्हीलर फोर व्हीलर को जबरदस्ती पानी में डालने की कोशिश ना करें, दूसरा रास्ता लेकर के अपने गंतव्य पहुंचे, किसी भी प्रकार का रिस्क ना लें। आप सभी से निवेदन है, सुरक्षित रहें, सुरक्षित स्थानों पर जाएं, कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे कोई जान माल की हानि हो। आप जो लोग सुन रहे हैं आसपास वाले, ये भी ध्यान रहे, कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर यहाँ से जबरदस्ती पानी में डालने की कोशिश ना करे गाड़ी को, काफी तेजी बहाव से पानी बह रहा है और अभी और बारिश के चलते पानी का स्तर कभी भी बढ़ सकता है, तो आपसे निवेदन है कि सुरक्षित रहें, सुरक्षित स्थान पर रहें। पिछली बार वहां के घर गए थे आगे के। कमरा खुलवा देंगे इंटर कॉलेज में, ठीक है भाई? ये पूरा एक मकान है ना, क्योंकि हम कुछ लोग ऐसे कटेगा दोस्त, तो पूरा ही जा रहा है, ठीक है भाई? कौन है इसमें बता दूंगा, वहाँ कमरा खुलवा देंगे, अगर वो दिक्कत होगी तो चौकी बता देंगे, मैं खुलवा देंगे, ठीक है? एक दिन की बात है।